जहां छपरा में अनियंत्रित कार पलटने से गाड़ी में सवार चार युवकों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। छपरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में चार लोगों की मौत सामने आई है। दर्दनाक ये सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक अनियंत्रित कार पलटने से बड़ा हादसा हो गया और चार लोगों की जान चली गई है। तो वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल भी बताया जा रहा है और मरने वालों में गाड़ी सवार चार युवकों की मौत हुई है। तो वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। बनियापुर थाना क्षेत्र के डोमावीर बाबा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां अनियंत्रित ऑल्टो कार के पलटने से गाड़ी में सवार चार युवकों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। ये बेहद ही भीषण सड़क हादसा हुआ है छपरा में। तो वहीं बनियापुर थाना क्षेत्र के करही चवर स्थित डोमावीर बाबा के पास की ये पूरी घटना, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं एक दो घायल बताए जा रहे हैं। तो वही बता दें आपको कि किस तरह से ये हादसा हुआ कि एक अनियंत्रित कार पलट गई, जिस वजह से ये बड़ा हादसा सामने आया बिहार के छपरा से, जिसके दौरान गाड़ी सवार चार लोगों की मौत हो गई। तो वहीं एक गंभीर रूप से घायल है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उस युवक का इलाज लगातार जारी है। तो ये बड़ा हादसा हुआ है बनियापुर थाना क्षेत्र के डोमावीर बाबा का, ये पूरा मामला है। खबर पर ज्यादा अपडेट देंगे हमारे संवाददाता मनोरंजन पाठक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोरंजन, क्या अपडेट मिल पा रही है? बड़ा हादसा हुआ है, चार की मौत हो गई, एक घायल बताया जा रहा है, घायल की क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, उन्नति बता दें कि ये रात का देर शाम का मामला है, जब बनियापुर थाना क्षेत्र के करही गांव से एकमा के लिए बारात जा रही थी, तो रास्ते में गड्ढे में अनियंत्रित होकर जो है स्विफ्ट डिजायर कार जो है वो गिर गई, जिसके कारण घटनास्थल पर ही चार लोगों की मौत हो गई, बाकी लोग घायल हैं, जिनका इलाज छपरा और पटना भी रेफर कर दिया गया है। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है और जो मृतक हैं उनको पुलिस के द्वारा उनके शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए यहाँ सदर अस्पताल छपरा भेजा गया। जी उन्नति, किस वजह से ये कार अनियंत्रित हुई, इसके बारे में कोई जानकारी मनोरंजन? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये उस समय का हादसा है जब रात को गाड़ी ट्रेन स्विफ्ट डिजायर जो है वो अनियंत्रित होकर गिर जाने से, जबकि स्थानीय लोग और पुलिस का ये कहना है कि उस समय रात के अंधेरे में पता नहीं चल पाया, सुबह में भी लाश को खोजा गया है, कई लाश सुबह दो लाश जो है सुबह मिली है, जो कि गड्ढे में गिरा हुआ था, जिसके कारण अभी चारों लाशों को लेकर पोस्टमार्टम के लिए अभी भेजा गया है पुलिस के द्वारा। जी, और पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है अब इस मामले में? जी अभी फिलहाल पुलिस इस मामले पे कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है, हालांकि ये जांच के लिए पुलिस वहां जुट चुकी है, बड़ी पदाधिकारी भी घटनास्थल पे पहुंच चुके हैं और मामले की जांच की जा रही है कि आखिर किस तरह ये हादसा हुआ, क्योंकि गाड़ी जो है वो स्विफ्ट डिजायर जो गाड़ी है वो गड्ढे में गिरी हुई मिली है और उसी गाड़ी में चारों शव भी थे, तो वहाँ के जो स्थानीय लोगों के द्वारा शोर मचाया गया और पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस घटनास्थल पे पहुंच के सबको बाहर निकाल के सड़क पर रखी। ठीक है, बहुत शुक्रिया चित्रंजन आपका मनोरंजन तमाम जानकारी के लिए।